वक्त हाईवे 400 पे टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं जा रहा हूँ सो सेंट मरी। तो उसके बाद पहले तो मैं नॉर्थ जाऊँगा, उसके बाद फिर नॉर्थ से सदबरी के पास से आई विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट टुवर्ड्स ट्रांस कैनेडा हाईवे। तो ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे मनाजिर हैं, इन्होंने ये पहाड़ों को बहुत सारी जगहों पर ब्लास्ट करके रोड बनाया है, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। मिसिसागी रिवर ये सीधे हाथ पर है और नज़र आ रहा है आपको, बहुत ग्रीन है इस वक्त क्योंकि गर्मियों का मौसम है। हाय गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं इस वक्त सो सेंट मरी में, और ये सो सेंट मरी का ये बड़ी नाइस ये स्ट्रीट है, और ये मेरा ख्याल में बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ ए म्यूजियम सो सेंट मरी का, जो कि इस वक्त बंद हो चुका होगा, वरना मैं आपको ज़रूर, ये कोर्ट हाउस है, सॉरी ये कोर्ट हाउस है, अदालत, ये देख लें, ये सो सेंट मरी का कोर्ट हाउस है। आप देख सकते हैं कोर्ट हाउस भी कितना खूबसूरत है, और ये जस्टिस जो है वो सबसे ऊपर है, इसका तो मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है इस मुजस्मे का। बहरहाल दिस इज द कोर्ट हाउस, जस्ट वॉकिंग ऑन टू सेंट मरी डाउनटाउन। मुख्तलिफ खाने की दुकानें हैं, बर्गर शॉप्स और अदर फूड ईटरीज। अमेरिका से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये कि यहाँ से बिल्कुल ही पास ही मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको कल लेके भी जाऊंगा, ब्रिज है जिसके अगर आप उस ब्रिज पे क्रॉस करेंगे तो ऑन द अदर साइड ऑफ दैट ब्रिज इज यूएसए। फूल बहुत अच्छे लगाए हुए हैं जगह जगह, सारी ऑलमोस्ट म्यूनिसपैलिटीज मैं आपको नजर आएगा। सामने जो है ये अरीना GFL मेमोरियल गार्डन्स, हॉकी का आइस रिंक और अरीना, और कनाडा में स्पेशली अगर आप देखें तो आइस हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती है, पीपल आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, और स्पेशली अगर आप देखें तो रूरल एरियाज़ में से काफ़ी जो इनके अच्छे प्लेयर्स हैं वो रूरल एरियाज से बहुत आते हैं, और जब सारी बिल्डिंग्स हैं वो सब हिस्टोरिक लगती हैं, मोस्ट ऑफ देम, और ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनी है इस बिल्डिंग पे। लेट्स गो क्लोज एंड हैव अ लुक, पास जाके देखते हैं। मेरे पीछे बहुत ही वेरी नाइस खूबसूरत पेंटिंग, लुकिंग वेरी नाइस। बुटीक शॉप